कांग्रेचुलेशन। आइए बैठिए। देवेंद्र सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गए अनिल माथुर जी, ये कानपुर उत्तर प्रदेश से हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका अनिल जी। और अनिल जी, आजकल आप कर क्या रहे हैं? सर, मैं एक अध्यापक हूँ प्राइमरी विद्यालय में, और मैं कक्षा एक से लेकर तीन तक के बच्चों को पढ़ाता हूँ। मतलब ये जो कोरोना के बाद बच्चे स्कूल आए, तो उनमें काफी मतलब उनको सीखने में दिक्कत आ रही थी। तो हम क्यों आ रही थी दिक्कत? अब अच्छा, सर वो दो साल घर में बैठे, और हम लोगों का मतलब शहरों में क्या है, सारी चीज़ें सुविधा उपलब्ध है, लोगों के पास फ़ोन है, फ़ोन से पढ़ाई करें। लेकिन ग्रामीण इलाका जो है, बेसिकली वहाँ पे फ़ोन वगैरह तो है नहीं, तो उनको हम लोग तो जा नहीं पा रहे थे स्कूल जी। तो हाँ, आपने क्या अपनाया फिर से उनको दोबारा सिखाने के लिए? सर, हम लोगों ने सबसे पहले ये अपनाया कि बच्चों को पढ़ाई से जोड़ने के लिए पहले हम लोग बच्चों से पूरी तरीके से जुड़ जाए। जैसे मान लीजिए जो बच्चा कक्षा एक में था, अब इस साल कक्षा तीन में आया, वो हमको तो जान ही नहीं रहा है, तो उसके साथ पहले हम लोगों ने क्या खेल कूद शुरू किया, परिचय शुरू किया। अब वो हमको अपना मानते हैं, तो हमारी जो बातें हैं ना वो कायदे से सुनते हैं, और जब वो कायदे सुनते हैं तो वो सीखने की कोशिश करते हैं। मेरा एक ये फंडा है ना कि बच्चों को अपना बना लो, वो अपना अपने आप बना लेंगे, और वो बहुत सारा प्यार करते हैं। जी जी जी, ऑलराइट। सर, मुझे पता होता कि आज हम लोगों की ड्रेस का कलर सेम होने वाला है। थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। सर, तो मैं पहले दिन ही पहन के आता और पहले दिन ही हॉट सीट पे आ जाता। अच्छा, ऐसा है। लेकिन आज गणपति जी आ रहे हैं और उन्होंने कृपा बरसाई। सबसे पहले सर, आपको गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी और थैंक यू सर। बस गणपति भाई साहब, अब खेल की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आपके कंपेनियन के रूप में शायद आपकी माताश्री आई हुई हैं जी। प्रणाम करता हूं आपको, और आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। एक्चुअली में है ना क्या सर, ये जैसे जो लड़का लड़की होते हैं ना, तो जैसे यहाँ पर मैं बैठा हूँ तो बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है, और जो हार्ट बीट है ना बहुत धक 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 कर रही है। तो जब शादी होने वाली होती है तो उन लोगों की भी जो हार्ट बीट है ना वो बढ़ जाती है। तो इसके और मेहंदी की जो तासीर होती है शायद वो ठंडी मानी जाती, तो इसलिए लगाते तो ताकि उनके जो हार्ट बीट है वो नॉर्मल रहे और शादी खाए दे। तो क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, ये सब दोहराने का मतलब क्या था आप बता दीजिए हमको कोमल जी। सर, अब मैं एक वेट लिफ्टर हूँ। हाँ, क्योंकि मैं केवल इतना बताना चाहता हूँ, अब आप दोबारा आई हैं हॉट सीट पर, अब दोबारा आंसू मत निकालिएगा, क्योंकि हमको फिर आना पड़ेगा आपके पास। निकालते निकालते थोड़ा टाइम लगता है जी सर। और सब लोग कहते हैं सर आप जितनी महिलाएं आते हैं उनका आप बड़ा देखभाल करते हैं, जितने पुरुष आते हैं उनके बारे में कुछ नहीं करते। तो जितने भी अगर पुरुष आ जाएंगे, दो बच्चे हैं तो सर मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप यहां पहुंच गए और फूट फूट कर रोने लग गए तो अवश्य मैं आपके आंसू पोंछूंगा। हो गया, ओके। आपने कहा कि आप एक वेट लिफ्टर हैं, आपको कैसे सूझा कि आपको वेट लिफ्टिंग करना चाहिए? सर, इसका पूरा श्रेय मुझे वेट लिफ्टिंग में जाने का मेरे फादर को जाता है। अरे ठहर जाइए, कंपेनियन के रूप में आए हैं क्या वो? जी सर, मेरे फादर आए हैं। प्रणाम करता हूँ सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। बैठ जाइए, बैठ जाइए। रवि गुप्ता जी आपका नाम है जी। जी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका जी। आप कह रहे थे कि उन्होंने प्रोत्साहित किया आपको। हाँ सर, जब मैं 11 साल की थी तब मेरे फादर ने मुझे जिम में लेके गए। उस टाइम अखाड़े हुए करते थे सर, तो मैं अखाड़ा गई थी। सर, वहाँ पे मेरे फादर ने बोले इनको आप वेटलिफ्टिंग में जो भी लगेगा मैं पूरा खर्चा उठाने के लिए तैयार हूँ, आप इनकी बस ट्रेनिंग स्टार्ट कीजिए। तो सर मैंने वहाँ से ट्रेनिंग स्टार्ट किया, तो सर मैं वेटलिफ्टिंग में और भी ज़्यादा नेशनल एंड स्टेट चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया। आपने वहाँ पर कुछ खिताब वगैरह जीते? हाँ सर, मैंने नेशनल में ऑल इंडिया स्कूल गेम्स में मैंने सिल्वर एंड ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए। वेल डन, थैंक यू सर। हमारे ये जो ज्ञाननाथ जी हैं कह रहे हैं कि आपका रिपोर्ट कार्ड देख लेना चाहिए। अब हम देखेंगे आपका रिपोर्ट कार्ड।
तो इसमें आपका नाम लिखा है काशवी शर्मा, आपको काशू भी बुलाते हैं, काशू जी। 14 साल की इनकी उम्र है, 9वीं कक्षा में पढ़ रही हैं काशू जी। और काशू जी को आइसक्रीम, स्मार्टफोन, फूड एंड स्लीप एंड रिडल्स, ये सब पसंद है। खाना पसंद है जो कि दाल रोटी खाते, मटर पसंद नहीं है इनको, और सोना पसंद है और रिडल्स पसंद है। अच्छा, डिसलाइक्स लिजर्ड्स, अरे बिल्कुल सही कहा आपने, चिपकली से हमको भी बहुत चिढ़ है। और नेल कटर, नेल कटर आपको, यू डोंट लाइक नेल कटर? नाखून दिखाइए अपना। सर छोटे हैं। तो बट व्हाई डोंट यू लाइक दैट? सर वो लंबी कहानी है, बचपन में क्या हुआ था कि मैं पापा से नाखून कटवाती थी नेल कटर से। अब एक बार उन्होंने क्या किया, वो इतना अंदर अंदर काट रहे, वो खून आ गया मुझे, तो मैं तब से डर लगता, मेरे को नहीं अच्छे लगते नेल कटर। क्या है? अच्छा ठीक है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, क्योंकि अभी उनकी बात मानी है, अभी उनको डांटना पड़ेगा। दिस इज नेल कटर एंड हर हाइट। व्हाई यू डिसलाइक योर हाइट? हाँ जी सर। नहीं नहीं कुछ नहीं, बिल्कुल ठीक है सर, इतनी छोटी हाइट ठीक नहीं होती सर, थोड़ी तो लंबी होनी एवरेज। ये बात आप हमको मत कहिएगा। अगर जैसे अटेंडेंस, मतलब असेंबली चल रहा है, सुबह प्रेयर होती है हमारे स्कूल में जाते से, तो उसमें मेरे को सबसे आगे खड़ा करते थे, एकदम आगे। तो अच्छी बात है ना। हाँ सर, मतलब मैं खड़ी वहीं से लाइन शुरू होती है सर। इतनी अच्छी अच्छी बातें हैं आपके हाइट को लेकर के, और आप परेशान हैं तो सर मेरे को टिंगी चिढ़ाते हैं, नाटी, ये सब करके मेरे को चिढ़ाते हैं स्कूल में सर, ऐसे में कोई। अच्छा सुनिए मेरी बात, अगली बार जो कोई बोले ना तो तू लंबू है, तू लंबी है, जो लंबू है तू, क्योंकि मैं आपको बता दूं, जो हमारे घर में वो कई सालों तक हमें लंबू जी बोलती थी। चिड़ा भी है क्योंकि उनको भी किया जाता है, आपको है कि नहीं? सर जैसे आपकी हाइट इतनी लंबी है सर, तो जैसे आप जब स्कूल में थे तो आपको कुछ एडवांटेज था इसका? कोई एडवांटेज नहीं था, जिस तरह आप कह रहे हैं डिसएडवांटेज है, हमको एकदम पीछे खड़ा कर दिया जाता था। बहुत दुख है जिंदगी में। और लंबे होने से और बहुत सी गड़बड़ी होती थी, मान लीजिए खेल के मैदान में। हाँ। क्योंकि आप लंबे हैं तो आपकी कैटेगरी जो है वो उनके साथ पड़ जाती थी, जो लंबे चौड़े हल्टे कट्टे है, और हम लोग दुबले पतले, हमारी उम्र भी कम थी, तो हमारे उनके साथ खेलना पड़ता था। तो हम लोग सोचते थे यार हमसे बड़े हैं ये लोग, क्यों खिलवा रहे हो, अगर छोटे वहाँ के पास जाएंगे तो कम से कम कुछ गोल वोल कर पाएंगे, क्रिकेट खेल सकेंगे, यहाँ डाल देते हैं कुछ खेलना ही नहीं होता हमारा। और हमारे स्कूल में बॉक्सिंग होती थी, कंपलसरी बॉक्सिंग, और हमारी हाइट ऊँची थी तो हमारा जो वेट था ना वो बड़ों के साथ डाल देते थे, इतनी मार पड़ती थी हमको, नाक फट जाए, आँख काली हो जाए, केवल इसलिए क्योंकि हम लंबे थे, ये डिसएडवांटेज था। पेरेंट्स का क्या रिमार्क है? शी इज लिटिल क्लम्जी, थोड़ी सी क्लम्जी है आप। सर थोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा हो तो उसमें लिटिल लिखा है। अच्छा आपको मालूम है आप जितनी बातें कह रहे हैं वो सब कुछ रिकॉर्ड हो रही है, और जो कुछ भी आप कहेंगे आपके पिता दादी सब बैठे हुए हैं पीछे, वो सब जाकर के सुन रहे हैं, और वो कभी ना कभी जाकर के आपको टोकेंगे, तुमने ऐसा क्यों बोला, सार्वजनिक हो गई बात, पब्लिक हो गई बात, जो चीज छुपानी हो ना वो आप चुपचाप से हमको बोल दीजिए, हम किसी को नहीं बताएंगे, वापस आपकी हमारी बात रहेगी, ठीक है?